Hello to all the moms, to be moms, and all the lovely ladies out there. And welcome to my channel, That Indian Mom. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे फरेरो रोशर के बॉक्स से एक बहुत अच्छा एक इयररिंग का बॉक्स बनाया, इयररिंग केस बनाया. एंड लेट मी टेल यू, ये आइडिया बस मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे आया. जैसे हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली होती है, और बहुत ओकेजन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे घर पे गिफ्ट्स आते हैं, चॉकलेट्स आती हैं. तो उसमें जब आई गॉट दिस फरेरो रोशर बॉक्स एंड मैं थोड़ा खाली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा जब वो चॉकलेट्स खत्म हो गई तो मैंने सोचा इट्स अ वेरी प्रिटी बॉक्स, इसका कुछ यूज करा जाए. तो आई गॉट दिस आइडिया और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे एक यूनिक इयररिंग बॉक्स में कन्वर्ट किया. और आप भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, जस्ट घर पे ही बैठ के घर के स्टफ से, हैंडीक्राफ्ट से, आप जो भी आपके पास स्टफ बचा हुआ है आप उससे इस चीज को बना सकते हैं. सो गो वॉच इट गाइस. तो देखिए, ये जो है ये फरेरो रोशर का बॉक्स है और आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है. आप भी अपने आप से अपने अकॉर्डिंग इसको और अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं. ये जस्ट मेरा फर्स्ट ट्रायल था फॉर दिस, सो जस्ट हैव अ लुक. ये जो स्टिकर है एक्चुअली, ये जो मार्केट में जब हम बहुत, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके देखिए मार्केट में, तो जो भी शॉप्स होती हैं उनके पास स्टिकर्स अवेलेबल होते हैं जो हम ग्रीटिंग कार्ड्स पे लगाते हैं, या कहीं पे भी हम अपने फ्रिज के ऊपर भी स्टिकर्स लगाते हैं, वो स्टिकर है. आप देख सकते हैं, मैं इसको निकाल के इसको दिखा रही हूं आपको. तो ये वो स्टिकर है. ये स्टिकर इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि जो फरेरो रोशर का बॉक्स होता है उस पर यहाँ पे लोगो होता है और वो लोगो हट नहीं सकता. वो लोगो इस ग्लास के अंदर इनबिल्ट था, तो मैंने उसको कवर करने के लिए लगाया. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोगो यहाँ पे विजिबल है. आप देखिए मैंने इसको किस तरीके से ओपन करा हुआ है यहाँ पे, और ये कितना प्रिटी लुक दे रहा है. अब ये जो चीज है गाइज, ये मैंने एक थर्माकोल का पीस लिया है सेम इसी साइज का. मैंने इसका साइज मेजर करके थर्माकोल को कट करा और वो थर्माकोल मैंने इस पे लगाया हुआ है. अब ये जो है ये कलर्ड शीट होती है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कितनी ग्लॉसी शीट है. ये मार्केट में ग्लॉसी कलर्ड शीट मिलती है और मैंने ये डार्क कलर डेलिबरेटली चूज किया है ताकि ये इसको एक और अच्छा वाइब्रेंट लुक देगा. तो ये मैंने ग्लॉसी शीट मार्केट से खरीदी थी, तो मैंने उसको भी थर्माकोल के साइज का कट किया और उसके ऊपर उसे फेविकॉल से पेस्ट कर दिया. गाइज मैं आपको यहां से दिखा देती हूँ कि देखिए, ये थर्माकोल का पीस है जो मैंने लिया था और उसके ऊपर मैंने कितनी ब्यूटीफुली इसको पेस्ट करा है. और ये मेरा कुछ इयररिंग्स का कलेक्शन है. मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो वी हैव लॉट्स ऑफ गुड मार्केट्स इन दिल्ली जहाँ पे गर्ल्स का इयररिंग्स का कलेक्शन करती हैं, जैसे कि वी हैव करोल बाग, खान मार्केट, जनपद. तो ये भी कुछ ऐसे ही मार्केट से मैंने कुछ कलेक्शन किया हुआ है अपने इयररिंग्स का. डिफरेंट कलर्स के इयररिंग्स हैं. एक्चुअली जो भी हम वर्किंग लेडीज होती हैं, हमें सुबह हमेशा टाइम का क्रंच होता है और हमें समझ नहीं आता जब हमें रेडी होना होता है हम ड्रेस के साथ कौन से इयररिंग्स पहने, हमारी ड्रेस के मैचिंग के इयररिंग्स हमें चाहिए होते हैं और हम ढूंढते रह जाते हैं. सो मुझे ये आइडिया आया एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया. मुझे कुछ नहीं करना होता, मैं बस सुबह इसको बॉक्स को खोलती हूँ और अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी मुझे इयररिंग ठीक लगता है मैं वो पहन लेती हूँ. एंड गाइज यू कैन सी इसमें कि आपको कुछ नहीं करना. सपोज ये वाला इयररिंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इयररिंग है आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी होल कर सकते हैं, पियर्स कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे होल किया है, थर्माकोल पे बहुत इजीली होल हो सकता है. जो भी आपका इयररिंग का बैक का चीज होती है पॉइंटेड, उससे आप इस पे आराम से होल कर सकते हैं. और इसमें जो है ये वाले इयररिंग्स बहुत अच्छे से लग जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुली लग जाते हैं. और ये जो बॉक्स होता है ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि चॉकलेट्स कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं हमारे घर में फेस्टिवल्स पे, या कई बार हम ही खरीद लेते हैं इन चॉकलेट्स को. तो ये बहुत ही प्रिटी लुक देता है इस चीज को. और ये हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं बना के, जैसे हमारी नीस हैं, आपके सिस्टर्स हैं, यू नो योर यंगर वंस, आपकी डॉटर है, आप किसी को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं.
इट विल लुक रियली वेरी प्रिटी. मैं आपको दिखा दूं कि कितना क्यूट लग रहा है. यहाँ पे इसका जो ग्लॉसी पेपर होने की वजह से इसका जो इसमें कलरफुल लुक आया, दैट्स रियली वेरी प्रिटी. एंड यू कैन सी यहाँ पे, देखिए इसको मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है. ये जो बैक का वाइट पेपर है ये ऑलरेडी फरेरो रॉशर के बॉक्स पे था, मैंने उसे कुछ नहीं करा है. आप यहाँ से देख सकते हैं थर्माकोल दिख रहा है. इस थर्माकोल पे भी अगर आप साइड पे भी कवर या ये ग्लॉसी पेपर लगा देंगे तो ये छुप जाएगा. मैंने अभी उतना नहीं करा है. आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू दिस क्राफ्ट स्टफ. एंड इट इज़ आई रियली फाउंड इट वेरी यूजफुल ऑल्सो एंड वेरी ईजी टू मेक ऑल्सो एंड इट इज़ लुकिंग एक्चुअली वेरी प्रिटी एज यू कैन सी हेयर. सो गाइज, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे बनाने का, किसी को गिफ्ट करने का. एंड डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स कि सबको कैसा लगा अगर आप इसे घर पे बनाते हैं तो. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल दैट इंडियन मॉम. लव यू ऑल द लेडीज. बाय बाय, टेक केयर.